आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। किसानों के समर्थन में किसान पंचायत आंदोलन में नई जान फूंकने की कोशिश, जय टिकेत के लगे नारे। आज श्योपुर में किसानों ने पंचायत की, जिसका आयोजन श्योपुर शहर में हजारेश्वर पार्क में किया गया। क्षेत्र के किसानों ने पंचायत में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और ऐलान भी किया कि दिल्ली के लिए कूच करेंगे। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में फिर से एक नई हलचल शुरू हो गई। जो किसान आंदोलन लग रहा था कि अब अपने आखिरी पड़ाव पर है, उसमें फिर से एक बार तेजी देखने को मिल रही है। श्योपुर में किसान संगठनों के आह्वान पर हजारेश्वर पार्क में किसानों ने एकत्रित होकर किसान सभा का आयोजन किया। कृषि बिलों के खिलाफ आंदोलन में किसान नेताओं के खिलाफ राजद्रोह और हिंसा फैलाने के झूठे मुकदमे दर्ज किए गए, जिनको वापस लेने और काले बिलों को रद्द कर MSP कानून बनाए जाने के संबंध में आज किसानों ने राष्ट्रपति के नाम सिटी कोतवाली पहुंचकर ज्ञापन तहसीलदार रजनी बघेल को दिया। साथ ही दिल्ली कूच करने के लिए किसानों से वार्ता की और किसानों को दिल्ली जाने के लिए प्रेरित किया। श्योपुर से राहुल गुप्ता की रिपोर्ट। दिल्ली में ऐतिहासिक ट्रैक्टर परेड का आयोजन, किसान ट्रैक्टर परेड का आयोजन हुआ तिरंगा यात्रा के साथ, जिसमें 2 लाख से अधिक और लाखों किसान उसमें सम्मिलित हुए। 2 लाख से अधिक ट्रैक्टर, उसमें एक लाल किले पर घटना घटित होती है, सरकार द्वारा प्रायोजित घटना। उसका आरोप जो किसान आंदोलन के अगुवा नेता है उन पर लगाकर तमाम प्रकार से उन पर झूठे मुकदमे दर्ज करके किसान आंदोलन का कमजोर करने का कार्य देश की सरकार, मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसके विरोध में श्योपुर के किसानों ने आज यहाँ पर हजारेश्वर पार्क में बैठक आयोजित की है। उसके विरोध में प्रशासन को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। श्योपुर का किसान भी इन घटनाओं का विरोध करता है। लाल किले पर जो घटना हुई है, लेकिन जो सरकार किसान नेताओं के ऊपर दमन करने का प्रयास कर रही है, दमनपूर्ण कार्रवाई कर रही है, उसका पुरजोर विरोध करता है। उसके विरोध स्वरूप में आज यहां पर बैठक का आयोजन किया गया। क्या बात, कुछ भी किसानों के खिलाफ दिल्ली में, दिल्ली बॉर्डर्स पे किसानों को सरकार ने खुद रोका हुआ है। लगभग 2 माह से किसान आंदोलित हैं और 26 जनवरी को सरकारी षड्यंत्र के द्वारा, सरकार के लोगों के द्वारा, सरकार से मिले हुए लोगों के द्वारा लाल किले पर जो घटना की गई, उस घटना के सिलसिले में केंद्र सरकार किसान नेताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है, जिसमें राजद्रोह जैसे गंभीर, UAPA जैसी गंभीर राष्ट्रद्रोह की धाराएं उसमें लगाई गई हैं। ये केंद्र सरकार का दमनकारी और अत्याचारी नीति है। किसानों को खिलाफ जो मोर्चों पर लोग हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं, अपने विधायकों को भेज के गुंडागर्दी मचा रही है, किसानों को भयभीत करके आंदोलन को समाप्त करवाना चाहती है। इन सब के खिलाफ हमने राष्ट्रपति महोदय के नाम अभी तहसीलदार जी को ज्ञापन दिया है और आज गांधी जी का शहादत दिवस है। गांधी जी की विचारधारा को जिंदा रखने के लिए और गांधी जी की हत्यारी विचारधारा की खंडना करते हुए, भर्त्सना करते हुए, उसके खिलाफ हमारा ये आज का मार्च है। कुछ बापू को 2 मिनट का मौन रखते हुए श्रद्धांजलि दी है।